गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। तो आज हम बीएमसीई का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने कहा था, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो कराएंगे, तो आज उसका फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ा सा बिज़ी हूँ तो मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाती। बट आई प्रॉमिस कि जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक। तो इसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स सिस्टम। थर्मोडायनामिक्स सिस्टम के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सो गाइज, स्टार्ट करेंगे हम थर्मोडायनामिक्स से कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स फिजिकल सिस्टम की जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसके बारे में पूरा रिलेशन रखता है। यानी कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हीट वर्क और एनर्जी कैसे बाहर जाती है या अंदर आती है, और सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या होते हैं, उनका टाइप्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये है क्या। तो थर्मोडायनामिक्स आपको पता चल गया क्या है, फिजिकल सिस्टम में जो भी एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें देखने वाले हैं। तो यही है थर्मोडायनामिक्स। तो कॉन्सेप्ट को देखें अगर थर्मोडायनामिक्स के, तो हम तीन चीज़ लेके चलेंगे, सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप जो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, सिस्टम क्या है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब अगर हमने कोई कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है तो उसे हम कहेंगे सिस्टम, उसके आसपास के एरिया को कहेंगे सराउंडिंग, और ये दोनों मिलके बनाते हैं यूनिवर्स। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, तो उस ग्लास में जितना भी वाटर आया, यानी कि वो ग्लास हमारा सिस्टम है, उसके आसपास का पूरा एरिया सराउंडिंग है, और उन दोनों ने जो मिलकर बनाया वो है यूनिवर्स। जैसे कि आप अपने देखते होंगे अपने रियल लाइफ में भी, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। यानी कि अगर आप एक रूम को ही ले लें, अगर आप एक रूम को सिस्टम मानते हैं, तो एक रूम पूरा सिस्टम है, उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो क्या है, सराउंडिंग है, और सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर क्या बनता है, यूनिवर्स। यानी कि पूरी जो हमारा सामान है वो सिस्टम, सराउंडिंग हम एयर को ले सकते हैं, एयर पूरा, और दोनों को मिला के क्या बना, यूनिवर्स। तो यही है कॉन्सेप्ट हमारे थर्मोडायनामिक्स का, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। ये तीन चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको इसके कॉन्सेप्ट में ध्यान रखनी है। सो ये तो हो गई थर्मोडायनामिक्स और उसके कॉन्सेप्ट की बात। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। इसके टाइप्स में ये थ्री टाइप्स का होता है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीनों सिस्टम क्या हैं वो मैं आपको एक एक करके डिफ़ाइन कर देती हूँ। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो क्लोज सिस्टम में हम सबसे पहले तीन चीज़ों को लेके चलेंगे, वर्क, हीट एंड मैटर। हम तीन चीज़ों को लेके चलने वाले हैं, वर्क, एनर्जी और हीट, एक ही बात मैं कह रही हूँ यहाँ पे, और मैटर। तो इनके बेस पे मैं आपको जो थर्मोडायनामिक्स के टाइप्स हैं वो अच्छे से समझा दूँगी। तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्लोज सिस्टम से। उसका एग्जांपल आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ हमने एक सिलेंडर की बात की है, सिलेंडर, पिस्टन, इन दोनों से मैं आपको बताऊँगी कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, जब हम एक सिलेंडर की बात करते हैं तो उसमें हमने गैस भरी हुई है। मान लीजिए कि उस सिलेंडर में गैस है, तो उस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो हमारा सिस्टम हो गया, सिलेंडर उसकी बाउंड्री हो गई, सिलेंडर के बाहर का एरिया सराउंडिंग, एंड दोनों को मिल, दोनों ने मिल के जो बनाया वो यूनिवर्स। तो अब हम इसमें ये बात करते हैं कि इसे क्लोज सिस्टम क्यों कहा गया है। देखिए, क्लोज सिस्टम में जो हमारा सिलेंडर है उसमें से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि हीट सिलेंडर से बाहर आ सकती है या बाहर से उसे हीट दी जा रही है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है कि वहाँ पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो क्योंकि वहाँ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो मैटर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमने इसे कहा है क्लोज सिस्टम।
और हम अगर ओपन सिस्टम की बात करें, ओपन सिस्टम क्या होगा, तो उसमें मैटर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एनर्जी का तो दोनों में से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्लोज में से भी और ओपन में से भी, लेकिन मैटर का जिस सिस्टम में से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए वो है ओपन सिस्टम, और जिसमें से ट्रांसफॉर्मेशन ना हो वो है क्लोज सिस्टम। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए आपने गैस पे बॉईल होने के लिए रखा वाटर, तो वाटर का जितना भी वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर हमने उस वाटर के ऊपर यानी कि जो हमने बाउल लिया है जिसके अंदर पानी रखा है गर्म होने के लिए, अगर हम उसे प्लेट से नहीं ढकते हैं तो क्या होगा कि हीट मिलेगी, तो जो वाटर है यानी उसका जो मास है वो क्या होगा, वेपर बन के उड़ता जाएगा, तो क्या होगा, मास कम हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जहाँ केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो वहाँ होता है हमारा क्लोज सिस्टम, लेकिन क्योंकि हम मास का भी हो रहा है, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम हो रहा है वाटर का, वेपर बनके वो उड़ रहा है, तो इसलिए ये सिस्टम हो गया हमारा ओपन सिस्टम। अगर हम उसे प्लेट से ढक देते हैं पानी को, यानी कि हमने जो बाउल लिया है जिसमें पानी है अगर हमने उसे प्लेट से ढक दिया, तो क्या होगा कि वाटर का वेपर तो अब भी बनेगा, लेकिन वो प्लेट से टकरा के क्या होगा, जब ठंडी हो जाएगी वेपर तो वो पानी वापस से जो वेपर है हमारी वो ठंडी होकर वापस से उसमें गिर जाएगी, यानी कि उसका जो मास है वो कम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ढक के रख दिया और बस उसे हीट दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपने उसे हीट दिया, बॉईल किया उसे, उसका वेपर बन गया, बाद में जब आप उसे बंद कर देते हो तो फिर उसमें से क्या होगा कि वो वेपर ठंडी होकर दोबारा से वाटर में चेंज हो जाएगी, और उसका मास क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मास का नहीं होगा, केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर गई है। ठीक है, तो फिर ये कौन सा सिस्टम हो गया हमारा, क्लोज सिस्टम। तो आपको ओपन और क्लोज सिस्टम में डिफरेंस पता चल गया होगा, वेपर बन के उड़ गया, मास जो है उसका, मैटर जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो वो ओपन सिस्टम है। अगर मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो वो क्लोज सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, जिसमें सिस्टम में से सराउंडिंग में ना एनर्जी का ना मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ना सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर, यानी कि जहाँ पे एनर्जी वर्क या फिर जो हमने हीट ली है, एनर्जी ली है, उसका मैटर का किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो है आइसोलेटेड सिस्टम। बट आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा हमारे पास कोई भी सिस्टम है ही नहीं जो आइसोलेटेड हो, ऐसे सिस्टम हमारे एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ दो होते हैं, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सिस्टम सराउंडिंग और यूनिवर्स क्या है, और उसके टाइप्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिससे कि उनकी भी हेल्प हो, और यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।